अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिनजानी टीवी। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर रोजाना आप सुन सकेंगे ठीक रात 12 बजे, जैसे ही डेट चेंज होती है आप लोगों के लिए आ जाता है अगले दिन का हाल, कैसा रहेगा आपका बुर्जों के मुताबिक दिन, आपका जॉडिक साइन चाहे एरिस है, टॉरस है, जेमिनी है या फिर पाइसिस, कोई भी जॉडिक साइन है आपका, तो आप लोग सुन सकते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू अपने आने वाले दिन को पहले से और दिन के आगाज में ही अपने दिन को आप प्लान कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे इस चैनल के ऊपर आप वीकली बेसिस के ऊपर हफ्तावार प्रोग्राम्स जो हैं वो भी देखेंगे, और इसके साथ साथ दीगर प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह क्यू में हैं और वो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए पब्लिश किए जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले अपने जॉडिक साइन को सुन के अपने बुर्ज के मुताबिक अपने दिन को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। अपनी हर वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जिसमें आपको कोई सदका बताना है, कोई रेमेडी बतानी है, कोई पढ़ने के लिए अल्लाह ताला का इसमें मुबारक बताना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस में ज़रूर शामिल रखेंगे। और 26 दिसंबर के ग्रहण के हवाले से भी इंशाल्लाह हम लोग सेपरेटली एक वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, जिसको आप पहले से देख के 26 दिसंबर के ग्रहण पर भी चीज़ों को बेहतर अंदाज में प्लान आउट कर सकते हैं। 8 दिसंबर के हवाले से हमारे पास जो पहला जॉडिक साइन है एरिस, यानी कि बुर्ज हुमल के हामिल जो अफराद हैं, आज के दिन आपको किसी भी तौर के ऊपर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या व्हीकल की सेल परचेज नहीं करनी चाहिए। अगर आप आज को मुआहिदा करना चाहते हैं किसी डीलिंग के हवाले से प्रॉपर्टी का, या अपनी सवारी को तब्दील करना चाहते हैं, तो आज आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। आज की गई डीलिंग आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर कीजिएगा, और इसको कल के दिन आप जो है अगर डिले कर दें तो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर दिन है। इसके अलावा आज का दिन आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा प्लान ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आपकी ज़ात जो है वो बिला वजह किसी न किसी तौर के ऊपर नागहानी अखराजात से गुजर सकती है। नेक्स्ट जॉडिक साइन यानी कि टॉरस, बुर्ज सौर को अगर हम लोग देखें तो बुर्ज सौर का आपका आज का दिन नहायत पुरमसरत इस हवाले से रहेगा कि आपको अपनी शरीक हयात या शरीक कार, जिसके साथ मिलकर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक फर्द का तावन या सोच आपके लिए काफी हद तक जो है तमीरी किरदार अदा कर सकती है, और यही वजह है कि आपका आज का दिन जो है नहायत पुरमसरत गुजरेगा। अगले जॉडिक साइन जेमिनी यानी कि बुर्ज जौजा को अगर हम लोग देखें तो जेमिनी वालों का आज का दिन जो है कम्युनिकेशन के हवाले से नहायत बेहतर दिन है। वो चीज़ें जो आप आज से 2 दिन पहले प्रॉब्लम्स में देख रहे थे, आप किसी फर्द को कोई चीज़ कन्विंस करना चाहते थे, आप दूसरे अफराद की बात को अंडरस्टैंड करना चाहते थे और बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस चल रहा था, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 107 और उनकी फ्रीक्वेंसी 100 पे चल रही थी, तो आज उस गैप को ख़त्म करने का दिन है। दोनों की फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी और आप एक दूसरे की बात को समझ भी सकेंगे और समझा भी सकेंगे। अगले जॉडिक साइन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, और बुर्ज सरतान का हम लोग आज का दिन देखें तो आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल मिजाज रहना है। मुस्तकिल मिजाजी अपने आज के दिन में शामिल कर लें तो आपका तमाम दिन जो है ये खुशबख्त गुजरेगा, क्योंकि आज अगर आपने किसी काम को अधूरा छोड़ के डाइवर्ट करके किसी और चीज़ की तरफ चले गए तो ये काम आपका यहीं रुक जाएगा और ये अगले आने वाले दिनों में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। अगले जॉडिक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद, और बुर्ज असद के हामिल जो अफराद हैं उनका अगर हम लोग आज का दिन देखें, कोई आपका लिटिगेशन का मसला है, कोई कानूनी मसला है, तो ये मसला आपका पंचायती सूरत में आज हल होता हुआ नजर आएगा, और यही चीज़ है कि आपका आज का दिन थोड़ा सा अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल रखने का दिन है।
फितरती तौर के ऊपर आप क्योंकि एक लीडर हैं और लोगों को लीड करना चाहते हैं और पहली सफ़ों में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आज अपने मिजाज के बरखिलाफ थोड़ा सा आपको अगर झुकना भी पड़ जाए तो झुक लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन जो है यही फैसला करेगा कि आपके अगले आने वाले मामलात जो हैं वो कैसे रहेंगे। अगला ज़ोडिक साइन वर्गो यानी कि शुम्भला। तो पड़ जाए शुम्भला के हमारे जो अफराद हैं आज के दिन आप फलाही कामों में अपना रुझान जो बढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी हद तक रूहानी तौर के ऊपर भी पुरमसरत है और आपकी इज्जत वकार में इजाफे का भी बायस बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और वो हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बहन भाई, आपके औलाद, आपका ज़िंदगी का शरीक हम सफ़र, उसकी कोई भी ख्वाहिश अगर आपकी ज़ात के साथ मुंसलिक है तो आज उनकी सभी जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात का एहतराम और पास ज़रूर रखिएगा। अगले ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान की जाने बढ़े। तो बुर्ज मेज़ान का जो आज का दिन है ये काफ़ी हद तक अहमियत का दिन इस हवाले से है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या ऑलरेडी रिसेंटली आपने की है तो आज से आपको अपने ज़राए आमदन में इजाफा देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज के दिन में ज़राए आमदन में इजाफे की वजह से आप ज़हनी तौर पर जो स्ट्रेस में थे वो स्ट्रेस आपका आज इंशाल्लाह ना सिर्फ रिलीज़ होगा बल्कि आप ओवरऑल दूसरे प्रोडक्टिविटी के काम जो हैं उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर किरदार अदा कर सकें। स्कॉर्पियंस यानी कि बुर्ज अक्रब। बुर्ज अक्रब के हामिल जो अफराद हैं उनका अगर हम लोग आज का दिन देखें तो स्कॉर्पियंस का आज का दिन जो है दूसरे अफराद में सुलझवाई का दिन है। आपकी ज़ात आज का दिन एक तमीरी किरदार अदा कर सकती है कुछ नाराज़ रूठे हुए लोगों को मनाने का, या ऐसे अफराद जो काफ़ी अरसे से परेशानियों में मुब्तला हैं तो आपकी ज़ात आज एक मसीहा का किरदार अदा कर सकेगी और दूसरे अफराद की निजी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हल आप उनको एक बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे। अगले ज़ोडिक साइन यानी कि सजिटेरियस बुर्ज कॉस की जानिब देखें। तो बुर्ज कॉस का आज का दिन स्पेशली ऐसे तालिब इल्म हज़रात जो कि काफ़ी अरसे से कोशा हैं बिरून मुल्क या किसी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और बिरून मुल्क सफ़र के हवाले से वीज़ा वगैरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें या वीज़ा, दोनों सूरतों में आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर इकदाम देखने को मिलेंगे। कैप्रिकॉर्निया जुयानी के बुर्ज जद्दी। तो बुर्ज जद्दी का आज का जो दिन है ये अपने वालदैन जो हैं उनकी दुआओं से आगाज़ करने का दिन है। आपको दिन के आगाज़ के ऊपर अपने वालदैन की दुआएं ज़रूर ले लेनी चाहिए क्योंकि उनकी दुआओं और उनकी शफकत की ही बरकत से आज के दिन में कुछ आती हुई मुश्किलात या मुसीबतें जो हैं ये हल हो सकेंगी। ये एक ऐसा रूहानी टोटका है जिसको आप दिन के आगाज़ में अगर कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपको रिलेटिव्स अजीज़ो कारे बहन भाई अपने दोस्त बाप बल्कि आपके ऐसे लोग जो आपसे हसद करते हैं उनकी हसदीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी महफूज रख सके। अगला ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलव। और बुर्ज दलव का अगर हम लोग आज का दिन देखें तो बुर्ज दलव को अपने आज के दिन को बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट करके गुजारने की ज़रूरत है। अगर आपका दिन किसी भी तौर के ऊपर अनप्लान्ड या अनशेड्यूल है और स्पेशली ऐसे एक्वेरियंस जो कि किसी भी तौर के ऊपर आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, आप प्रोफेशनली तौर के ऊपर आर्टिस्ट हैं या मीडिया पर्सन हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो इस सूरत में आपको अपने अमूर, अपने रोज़मर्रा के मैटर्स और अपने मामलात को प्लान आउट ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज अनशेड्यूल या अनप्लान्ड दिन जो है वो आपके लिए एक सिर दर्द से कम नहीं साबित होगा। लास्ट ज़ोडिक साइन की जाने बढ़े जो कि हमारे पास है पाइसेस और बुर्ज हौत जिसको कहा जाता है। तो पाइसेस अफराद का आज का दिन कल के दिन से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर और तमीरी रहेगा। कल के दिन के हवाले से जो चीज़ें आपकी साबित कदमी में आपने गुजारी हैं तो आज आपको उसका सिला मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि कल का जो दिन था वो आपका इनपुट का दिन था और आज का जो दिन है ये आपके आउटपुट का है। कल के दिन में आपने किसी फर्द के साथ कोई नेकी की, आपने किसी काम में कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपनी ज़ात के हवाले से कोई काम किया और कल आपको उसका नतीजा नहीं मिला तो आज का जो दिन है ये आपको आपके साबित कदम और आपका मामलात जो है अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देने की वजह से आज का दिन जो है ये आपको उसका अजर बेहतर अंदाज में मुमकिन तौर के ऊपर मिल सकेगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दिन को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए
बेहतर और चंद एक मुफीद तजावीज जो है जरूर नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर आप मुझे मिलना चाहें पर्सनली तौर के ऊपर तो लाहौर में मैं मौजूद रहता हूँ तमाम महीने माँ सवाए पहले वीक के, क्योंकि पहला वीक मेरा होता है कराची का। तो कराची मैं इंशाल्लाह रहूँगा 1 से 7 जनवरी तक। ऐसे तमाम अहबाब जो कि कराची में या हैदराबाद या इवन ठट्टे में भी मौजूद हैं, आप मुझे टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके कराची में मिल सकते हैं 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक। मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नंबर्स एड्रेसेस और तमाम चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे और आपके मसाइल को हल करने के लिए जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया है उसको हम लोग बेहतर अंदाज में आपकी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।